जी नाजरीन, पहली बार पहले मैच का पहला बॉलर उठाकर मार दिया है, क्या बात है यार, ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए उमर भाई, जो कि पाकिस्तान के मशहूर प्लेयरों में जिनका नाम है, और आते ही उन्होंने पहले ही उठाकर खेल दिया है और ये सिक्स रन हो गए पहली बॉल पर, छः रन। तरम टूर्नामेंट का नाम बताते जाएं, दूसरा बॉल करने के लिए बॉलर तैयार, उमर सामना करेंगे और दूसरा बॉल किया और स्निक निकली और दूसरे बॉल पर बॉल स्निक कर दिया और एक बड़ा नुकसान फैसलाबाद इलेवन को, एक गलत शॉट खेलते हुए उमर ने अपनी विकेट को गवा दिया। जी नाजरीन, नेक्स्ट बैट्समैन के बैटिंग के लिए आए हैं जैकब भाई, जो कि फैसलाबाद की तरफ से खेलते हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा नाम कमाया है क्रिश्चियन क्रिकेट में। अभी देखते हैं, दो बालों पर एक सिक्स मिला है, छः रन हुए हैं दो बालों पर और एक बहुत ज़बरदस्त विकेट गिरा दिया। तीसरे बाल के लिए बॉलर तैयार, बॉलर नहीं रजवान आए हैं बॉलिंग के लिए और जैकब ने पहले ही बॉल पर उठाकर खेल दिया है, जो कि सिक्स रन के लिए अंपायर का इशारा कि ये छः रन हैं। एक ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जैकब भाई, बॉलर चौथी बॉल के लिए तैयार, जैकब है सामने और एक अच्छा बॉल और अच्छी डिलीवरी थी जो कि बिल्कुल ना समझ सके जैकब भाई, और एक अच्छा बॉल बीट किया बॉलर ने। ओकाड़े की टीम में भी बहुत मशहूर प्लेयर हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमें खुदा ने मौका दिया कि हम अपने क्रिश्चियन लोगों के लिए YouTube पर वीडियोस बना सकें, ताकि जो भी हमारी इस पूरी दुनिया में इस मैच को देखें वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे जो क्रिश्चियन लोगों का टैलेंट है वो उभर कर सामने आ सके। पाँचवा बॉल करने के लिए जैकब है सामने, बॉलर आए और बॉल किया और अंपायर का इशारा कि ये वाइट बॉल, इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 13-4 बॉलें। शाबाश, पांचवा बॉल करने के लिए बॉलर तैयार, सामने करेंगे जैकब, ओए और एक अच्छा बॉल था, बिल्कुल ज़बरदस्त लेंथ बॉल था और बड़े अच्छे तरीके से सिंगल मिली। सामने आए हैं जिमी भाई, जो कि फैसलाबाद की शान है, क्या बात है, अच्छी बैटिंग करते हैं, आज देखना होगा कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और जिमी भाई की पहले भी आप काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हैं इस चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आज भी हम इनकी अच्छी बैटिंग के मुंतज़र हैं। पहली ओवर का छठा बॉल, आखिरी बॉल, सामना करेंगे जिमी, बॉलर आए, बॉल किया और पहले ही उठाकर खेल दिया है और उठने खतरा और पहली बॉल पर जिमी भाई ने सिक्स लगा दिया, इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 19, बढ़ता हुआ स्कोर एक ओवर में 19 स्कोर मिला है फैसलाबाद इलेवन को और अकाड़ा ने पहले ही ओवर में 19 स्कोर बॉलर ने खाया है और ज़बरदस्त शुरुआत फैसलाबाद की तरफ से। जी अकाड़े की तरफ से दूसरे ओवर के लिए है जमान चंदू, ये चांद के नाम से बहुत मशहूर हैं, ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडरों में शामिल और बड़े प्लेयर आमने सामने, सामना करेंगे जैकब और बड़ी अच्छी डिलीवरी चांद की, क्या बात है, ज़बरदस्त, बिल्कुल ना समझ सके जैकब भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, दूसरे ओवर के दूसरे बॉल के लिए तैयार हैं चांद, उकाड़ा से सामना करेंगे जैकब भाई फैसलाबाद, ओ ज़बरदस्त डिलीवरी यार, क्या बात है, बिल्कुल ना समझ सके चांद, बहुत अच्छे ऑलराउंडरों में शामिल हैं, इनका तल्लक उकाड़ा से है और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है कि आज हमें मौका मिला कि हम यहाँ आ सकें और तमाम टीमें, अभी मुल्तान की टीम है, अभी बहुत सारी टीमें हैं, मियां चन्नू की टीम है और मौजूदा आरफ वाले की टीमें हैं, हम सबको दिखाएंगे। तीसरा बॉल करने के लिए चांद, ओ तीसरी भी डिलीवरी ज़बरदस्त, बिल्कुल ना समझ सके जैकब भाई, उनका बॉलिंग का नज़ारा करते हुए चांद भाई, शाबाश। दूसरी ओवर का चौथा बॉल करेंगे चांद, तीन बॉल बिल्कुल डॉट की हैं जैकब के सामने, चौथे बॉल के लिए सामना करेंगे जैकब, जो कि बिल्कुल ना समझ सके, चौथे ओवर पर एक सिंगल आया और बहुत अच्छा ओवर ओकाड़े की तरफ से, सामना करेंगे जिमी, चांद
फैसला बाद ओकाड़ा की तरफ से पांचवा बॉल करने के लिए, दूसरी ओवर का पांचवा बॉल। अभी चार बॉलों पर एक स्कोर मिला है, सामना करेंगे जिमी। ओए जबरदस्त डिलीवरी चांद की तरफ से, क्या बात है, एक्सलेंट बॉलिंग यार, क्या बात है यार, जबरदस्त टैलेंट, क्या बात है यार। दूसरी ओवर का आखिरी बॉल चांद भाई, जबकि चार बॉल डॉट बॉल हुई हैं और एक स्कोर मिला है सिर्फ इस ओवर में, सामना करेंगे जिमी जो कि फैसलाबाद का स्टार प्लेयर है, देखना होगा। और स्नेक हुई है, उन्होंने मुझे बचा लिया है। दो ओवर के अख्ताम पर 25 स्कोर, जबरदस्त बॉलिंग का मजारा करते हुए ओकाड़े की तरफ से चांद भाई। अब आएंगे भाई आसम जो कि ओकाड़ा के स्टार प्लेयरों में जिनका नाम शामिल है, ये बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, अपना तीसरा ओवर करने के लिए आसम भाई। अभी देखना होगा कि जैकब भाई, दो ओवर बाकी हैं, कम से कम इनको 70 से ज़्यादा स्कोर मारना चाहिए ताकि ये दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं। तीसरे ओवर का पहला बॉल आसम भाई, सामना करेंगे जैकब भाई। ओ यकीनी तौर पर चार रन मिलेंगे, पहली तीसरे ओवर के पहली गेंद पर चार रन, बढ़ता हुआ स्कोर 39। तीसरे ओवर का दूसरा बॉल सामना करेंगे जैकब भाई, पहली गेंद पर चार आया और दूसरी गेंद पर वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 30। अपना दूसरा बॉल फेंकने के लिए आसफ फ्रॉम ओकाड़ा, सामना करेंगे जैकब भाई फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा बॉल उठाकर खेल दिया जैकब भाई ने, एक बहुत अच्छा पुल किया है और ये बहुत लंबा सिक्सर होगा। इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 36, तीसरे और तीन ओवर के दो बॉल अभी हुए हैं। तीसरा बॉल करने के लिए सामना करेंगे जैकब जो कि पहले भी एक सिक्सर लगा चुके हैं। अच्छी डिलीवरी यार, क्या बात है, बिल्कुल ना समझ सके जैकब, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग विकेट चाहिए भाई ऐसे ओवर से। आसम भाई जबरदस्त डिलीवरी, अपना चौथा बॉल करने के लिए आसम फ्रॉम ओकाड़ा, सामना करेंगे जैकब भाई। वो जबरदस्त डिलीवरी थी लेकिन एम्पायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। आसम अपना चौथा बॉल करने के लिए सामना करेंगे जैकब भाई, बढ़ता हुआ स्कोर 38। और कच्ची डिलीवरी यार, बिल्कुल जबरदस्त डिलीवरी और बिल्कुल यार को लेंथ बॉल किया था और जैकब ने इसको ड्राइव किया और सिंगल मिला। सामना सिर पर हैं, सामना करेंगे जिमी भाई। अभी इस ओवर के दो बॉल बाकी हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करने का मजारा करना होगा अपने फैसलाबाद की तरफ से। आसम अपना पांचवा बॉल करने के लिए रेडी, सामना करेंगे जिमी भाई, बढ़ता हुआ स्कोर 39। ओए अच्छा पुल किया और कट होने का खतरा और बिल्कुल कैच हो गया और जिमी बिल्कुल ना समझ सके और एक ज़बरदस्त शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल उसको पिक ना करने पाए और ये कैच आउट होकर जिमी वापस जा रहे हैं। नए बैट्समैन अदील ब्रावो जिनका तलक फैसलाबाद से, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अपना आखिरी बॉल फेंकने के लिए आसम जबरदस्त बॉल किया और बिल्कुल ना समझ सके अदील ब्रावो। तीन ओवर के अख्ताम पर बढ़ता हुआ स्कोर 38। दो बॉलें दो सिक्सर, बढ़ता हुआ स्कोर 50। अभी चार बॉल बाकी, देखना होगा। पहली ही दो बॉलों पर जैकब ने उठा कर खेला है और दो सिक्सर मिले हैं। अभी तीसरा बॉल और फिर से खेले हैं तीसरे बॉल जो कि काफ़ी पेस से था, साकब ने बड़ी पेस से बॉल किया था और सामना करेंगे अदील ब्रावर, बढ़ता हुआ स्कोर 51। अभी तीन बॉलें इस इनिंग्स की बाकी हैं। हो गया बच्चे, हो गया जो होना सी, शाबाश साकब भाई। खुल गया साकब, साकब 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 अपनी ओवर का चौथा बॉल करने के लिए सामना करेंगे अदील ब्रावो फ्रॉम फैसलाबाद और जबरदस्त प्ले किया है। यकीनी तौर पर ये
चार रन के लिए अच्छा शॉट खेला था और चार रन मिले हैं, बढ़ता हुआ स्कोर 55। इस इनिंग के दो बॉल अभी बाकी हैं। अदील ब्रावो है सामने, साकब फ्रॉम ओकाड़ा। अभी देखना होगा कि अदील ब्रावो अपनी टीम के लिए कितने रन जोड़ने पड़ते हैं, जोड़ सकते हैं। पांचवा बॉल करने के लिए तैयार। ओ जबरदस्त डिलीवरी यार, क्या बात है यार, जबरदस्त बैटिंग यार, क्या इसे कहते हैं क्रिश्चियन टैलेंट। और नाज़रीन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनकी हौसला अफज़ाई हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके सामने ला सकें, ताकि ये क्रिश्चियन टैलेंट जो उबर के सामने आए। इस इनिंग्स का आखिरी बॉल करेंगे साकब फ्रॉम ओकाड़ा। ओ उठाकर खेल दिया है, यकीनी तौर पर ये सिंगल होगा और ज़बरदस्त इनिंग का अख्ताम। अच्छी बॉलिंग की है ओकाड़ा ने, हमारे साथ रहिएगा। और तकरीबन ओकाड़ा को जीतने के लिए चाहिए होगा 57, 56 रन किए हैं फैसलाबाद में।